भोजपुर दर्शन न्यूज खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं न्यूज को देखें। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ भोजपुर द्वारा शिक्षा विभाग के तत्कालीन निदेशक के आदेश की सैकड़ों प्रतियां जलाते हुए निलंबन के आदेश को वापस लेने की मांग किए। संघ के जिला अध्यक्ष मंटू ने कहा कि सरकार शिक्षकों को अपना गुलाम बनाकर रखना चाहती है। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा शिक्षा विभाग डायरेक्टर मध्यान्ह भोजन जो प्रति निकाली गई थी, जिसमें 2014-15 और 2015-16 में जो पूरे बिहार में चावल का आवंटन हुआ था, उसमें बिहार के सभी प्रधानाध्यापक से आवंटन की गई चावल की जो बोरी होती है, उस बोरी को 10 रुपये प्रति हिसाब से शिक्षा विभाग में जमा कराना था। उसी पत्र के आलोक में कटिहार के जो जिलाध्यक्ष हैं बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के मोहम्मद तमीजुद्दीन, उन्होंने उस बोरा को बेचने का प्रयास किया ताकि उस पैसे को जमा किया जा सके। और जब वो बोरा बेचने बाजार में निकले तो वो जो कार्यक्रम था वो वायरल हो गया और उस वीडियो वायरल को देख करके सरकार को यह लगा कि हमारी प्रतिष्ठा ये शिक्षक धूमिल कर रहा है। और उस दृश्य को देख करके वहाँ के जो तमीजुद्दीन साहब हैं उनको निलंबित कर दिया गया। जी, तो क्या मांग करते हैं? मैं इस प्रति जलाने के माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि जो डायरेक्टर ने पत्र निकाला कि बोरी को पैसा के हिसाब से जमा करना है, गलती उसकी है कि जो पैसा देने के लिए बोरा बेचने जा रहा था, गलती उसकी है? आज तमीजुद्दीन का निलंबन 24 घंटे के अंदर वापस किया जाए और जो डायरेक्टर चिट्ठी निकाला हुआ था कार्रवाई उस पर होनी चाहिए। अगर 24 घंटे के अंदर मोहम्मद तमीजुद्दीन का निलंबन वापस नहीं होता है तो बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के द्वारा बिहार के सभी प्रखंड मुख्यालय पर 13 तारीख को बोरा बेचो का अभियान शुरू किया जाएगा और 16 तारीख को सभी जिला मुख्यालय पर हम लोग प्रदर्शन और धरना करने का काम करेंगे। नाम बता दीजिए। पंकज कुमार सिंह मंटू, जिला अध्यक्ष भोजपुर।